नमस्कार, सरयात्रा न्यूज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पराजित प्रत्याशियों ने लगाया वोटिंग से मतगणना तक अधिकारियों को धारली का आरोप। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर विकास का ढलिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुरवा अवसान सिंह में प्रत्याशियों ने अधिकारियों को वोटिंग से लेकर मतगणना तक लगाए गए धांधली का आरोप। पराजित प्रत्याशी प्रमोद कुमार पुत्र प्रहलाद, लोकुश पुत्र पुनवासी, मदन पुत्र मिठाईलाल, माधवेंद्र पुत्र त्रिभुवन यादव, इन सभी प्रत्याशियों द्वारा उप जिलाधिकारी लालगंज को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि प्रार्थीगण मतगणना स्थल पर पोलिंग एजेंट थे तथा प्रत्याशियों के सामने वार्ड नंबर 76, 77, 78 में मतदाता ने मत का प्रयोग किया तथा कुछ वार्डों का विवरण एजेंट द्वारा मांगा गया तो मतगणना अधिकारी देने से इनकार कर दिए, जो कि दूसरे क्रमांक के मत पत्र पेटिका में मिल रहा था। समस्त पराजित प्रत्याशियों द्वारा प्रार्थना पत्र मतगणना अधिकारी को दे दिया गया, जिसकी मतगणना अधिकारी द्वारा कोई जांच प्रक्रिया नहीं की गई, जिससे कि श्रावती देवी पत्नी जामंद को फेरबदल करते हुए प्रधान पद पर विजयी घोषित कर दिया गया, लेकिन वैलिड पेपर का क्रमांक नहीं मिलाया गया। सभी प्रत्याशियों का कहना है कि मतगणना अधिकारी प्रधान पद पर विजयी प्रत्याशी से मिलीभगत है। इस बात को लेकर ग्राम पंचायत पुरवा अवसान सिंह में सभी पराजित प्रत्याशियों और ग्रामीणों के बीच एक बैठक हुई। बैठक में ली गई निर्णय को पत्रकारों से बातचीत करते समय कहा गया कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। सक्षम अधिकारियों से अपील की गई है कि दोबारा चुनाव कराया जाए। बाकी जानकारी आप वीडियो में देख सकते हैं। सत्यात्रा न्यूज मिर्जापुर से गादीलाल गुप्ता की रिपोर्ट। धन्यवाद। फर्जी वोटिंग करने के संबंध में या गिनती के संबंध में? फर्जी वोटिंग भी की गई है, गिनती में तो 100% फर्जी की गई है। जी जी, उसमें भी बहुत बड़ा धांधलीबाजी की गई। किस प्रकार से की गई? जैसे कि जो वोट पड़ा था, जो मेरे ब्लॉक बैलेट पेपर था, बूथ पे जो बैलेट पेपर यूज किया गया, वहाँ पे जाने वक्त जो भी काउंटिंग हो रहा था तो वहाँ पे बैलेट पेपर नहीं था, बदल दिया गया। उसका क्रमांक नहीं का मिलान भी नहीं करवा रहे हैं और न मिल ही रहा है। हम लोग ध्यान दे रहे हैं, 554 वोट जिस बक्से में पड़ा था, अगर सीरियल 1000 से चल रहा है तो 555 में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 1700 दिखाई दे रहा है, 700 दिखाई दे रहा है, कहीं 800 दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर। इससे साबित होता है कि मतलब ये है कि आपकी जो वोट गायब करके दूसरी वोट बदल दिया गया है। साबित करने के लिए आप बता रहे हैं सीरियल नंबर भी गड़बड़ी है? हाँ, गड़बड़ी है। तो फिर आप लोग जैसे बैठक किए थे, क्या विचार? यहाँ विचार हो रहा है कि भाई अब किस माध्यम से कैसे सरकार के पास हम लोगों की बात जाए और चुनाव पूरा हमारे यहाँ करना चाहते हैं। जो इरादा है कि चुनाव पुनः कराया जाए? मैं श्रावती देवी पत्नी का नाम है जामोन, उनके लड़के सूरज मौर्या, उनके चाचा हैं ओमकार मौर्या, इनके यहाँ 3-3 फैक्ट्रियाँ हैं जो पैसे के बल पर खरीद लेते हैं, जिसको चाहे उसको खरीद लेते हैं। 16 ग्राम पंचायत थे, 16 प्रत्याशी है जो पूर्व प्रधान थे, मात्र 100 वोट के अंदर। जो आप बता रहे हैं कि पैसे के बल पर खरीद लिए, जी मतलब वो पैसे वाले हैं जी। नागपुर में इनकी लोहे की 3-3 फैक्ट्रियाँ चलती हैं। हाँ, बुतरे हाँ, जो कि ये पैसे के बल पर गवर्नमेंट को भी खरीद लेते हैं। कुछ बिकने वाले, हमारा नाम लवकुश विश्वकर्मा है, इसी ग्राम पंचायत जी। हम भी लड़े थे, हमारी पत्नी लड़ी थी। आप कितना वोट पाए थे? हम 178 वोट पाए हैं। 178 वोट पाए थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि ये धांधलीबाजी है, इसका संपूर्ण रूप से शुरू से अंत तक इसका होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, इसके बाद पूरा ही चुनाव होना चाहिए। इसके बारे में यानी आपकी अग्रिम सोच क्या है, ये बताइए। सोच हमारी यही है कि धांधलीबाजी हुई है, एकदम 100% हुई है, चुनाव फिर से होना चाहिए। यानी आप आपका मंशा है कि चुनाव पुनः हो? जी, पुनः होनी चाहिए। सक्षम अधिकारियों को
करा है इस बात को लेकर? जी हमारे पास रिपोर्ट है, हम आरओ के उस रिपोर्ट भी लिखवाए, वो हमारे पास अभी आप हमने उसको हम लोग उसमें रिपोर्ट डाले हैं कि उसको अभी तक शपथ पत्र न दिया जाए, लेकिन ये लोग काउंटिंग करा करके शपथ पत्र कहाँ से दे रहे हैं? अच्छा, जब हम लोग रिपोर्ट लगाए उसको रोकना चाहिए ना आरओ को। रिपोर्ट लगाए जी, और कहाँ आप दरखास्त दिए, और कहीं दिए किसी को? यहाँ पे धांधलीबाजी शुरू से की गई। जब यहाँ पे वोट 26 तारीख को वोट पड़ा, 25 को ये लोग आए, अधिकारी उच्च अधिकारी सभी लोगों को यहाँ के जो है सूरज द्रावती देवी पत्नी जामोन ग्राम चकोटा ग्राम पंचायत पूर्वावसान सिंह जी ये चुनाव लड़े थे, और यहाँ अधिकारी लोग आए, ये अधिकारी लोग उनके घर पे जाके खाना खाए, पीना खाना पीना किए, पूरी यानी पूरी अय्याशी किए एक तरीके से। अच्छा, एक तरीके से इनको पूरी व्यवस्था दी गई, वीआईपी व्यवस्था दिया गया, और ये लोग उसी समय हमको लगता है वहीं से यहाँ से भी धांधलीबाजी की गई। इसके बाद शेष जो बचा वहाँ जहाँ बक्सा रखा गया वहाँ भी धांधलीबाजी की गई। कुल मिलाकर के आप लोग कैसे होता है इस बात को लेकर के अपने सक्षम अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी किसी को जी वहाँ के जो आरोप थे हम लोग वहाँ पर कर रहे थे, तो उसमें सीरियल नंबर बक्सा के पलट रहे हैं, बक्सा पलट रहे हैं, उसके पहले ही वो बोल रहे हैं 554 वोट इसमें पड़ा है जो कि 500 मेरा है, ये सूरज बोल रहे हैं। उसके पहले बता रहे हैं 500 वोट मेरा है 554 में, और 54 में तुम लोग सब। अब जो ये चीज हमको दिखने लगा तो हम सीरियल नंबर पर ध्यान दिए, सीरियल नंबर देखना शुरू किए, 555 जब वोट पड़ा है, सीरियल अगर 1000 से शुरुआत हो रहा है तो 1555 में खत्म हो जाना चाहिए सीरियल, वहाँ पर 1700 सीरियल दिखाई दे रहा है, 700 सीरियल दिखाई दे रहा है, 1300 सीरियल दिखाई दे रहा है, 1000 सीरियल दिखाई दे रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है फर्जी वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अच्छा, आपके को लेकर आप किसी अधिकारी को अवगत कराया है? तुरंत आरओ को हम लोग लिखित शिकायत किए आरओ से, और उसके बाद बोले कि हम लोगों को भाई उसका मिलान करा दिया जाए सीरियल का, जो वोटिंग हुआ है यहाँ पे उसका सीरियल का, और जो इस अकाउंटिंग हो रहा है जो बैलेट पेपर इसका सीरियल का मिलान करा जाए, वो लोग करें एक दो ठो करवाएंगे उसके ऊपर नहीं करवाएंगे, एक दो से क्या होगा, और उसके बाद वो भी नहीं करवाए, ये लोग भागना शुरू कर दिए। और किसी अधिकारी को आप अवगत कराए? उसके बाद हम लोग गए डीएम साहब को रजिस्ट्री किए, डीएम साहब से मिले गए, डीएम साहब नहीं मिले, उस दिन चुनाव का दिन था, डीएम साहब व्यस्त होंगे कहीं गए होंगे नहीं मिले, रजिस्ट्री किए डीएम साहब को, चुनाव आयोग को रजिस्ट्री किए, हम चुनाव आयोग को भी रजिस्ट्री किए, इस डीएम साहब को रजिस्ट्री किए, बीडीओ खंड विकास अधिकारी यहाँ हलिया उनको भी रजिस्ट्री किए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के जो उच्च अधिकारी थे मतगणना में उनको लिखित हम लोग शिकायत किए, और बोले कि जब तक हम लोगों को संतुष्ट न कर दिया जाए तब तक अकाउंट गिनती न किया जाए, लेकिन उन लोग काला भाला करते नहीं गिनती किए। और एक चीज़ और है, जो यहाँ पे जो वोट डलवाने आते हैं का पीछा सिंह अधिकारी जो बूथ पे थे यहाँ वोटिंग के समय, वही पीछा सिंह अधिकारी वहाँ भी अकाउंटिंग भी करा रहे हैं, और उनको उन लोगों को 12-14 लोगों को एजेंट बनाया गया, एक प्रत्याशी के पीछे एक एजेंट होना चाहिए, लेकिन 12-14 एजेंट उन लोगों के जबरदस्ती किस तरीके से उनका एजेंट बने भगवान जाने कैसे बना के। चलिए ठीक है, हमारा नाम नंद गोपाल मौर्य, ये पूछ रहे हैं जैसे भैया बता रहे हैं कि दोबारा हमारे यहाँ वोटिंग या चुनाव कराया जाए, आप भी सहमत हैं इससे? दोबारा वोटिंग कराया जाए। चलिए, पहले पेपर में धांधली हुई है, इसे अभी भैया बता रहे हैं कि दोबारा काउंटिंग कराया जाए, हमारा धांधली की क्या सही बात है? सही बात है। अच्छा, आप सहमत हैं दोबारा काउंटिंग चुनाव कराया जाए? बिल्कुल सहमत। अच्छा, आप प्रत्याशी के पद पे चुनाव लड़े थे, उनके समर्थन में हैं आप? उनके समर्थन समर्थन आप यहीं के निवासी हैं? ग्राम सभा का अभी जैसे भैया बता रहे थे कि हमारे यहाँ चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई, जो है कि प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा ऐसा किया गया अधिकारियों से मिल करके, इनका मांगना है कि जो है दोबारा यहाँ चुनाव कराया जाए। जी जी, सत्य है, हम सहमत हैं इस पर, दोबारा गड़बड़ी हुआ है, गड़बड़ी होना 100% गड़बड़ी हुआ,
पैसे का खेल हुआ है, सारे अधिकारी पैसे से बिके हुए हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि सारे अधिकारी पैसे से बिके हुए हैं? ब्लॉक में बैठते हैं, सब जगह बैठते हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, डेली अधिकारियों से अधिकारियों को ले जाकर खाना खिला रहे हैं, घर पर बैठा रहे हैं, डल्लम का गद्दा बिछा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, नाश्ता ला रहे हैं, घर से तो क्या बिके नहीं तो क्या हुए? चलिए ठीक है, जरूरत क्या है किसी के घर पे नाश्ता। अच्छा, जो इन लोगों के द्वारा बात किया गया इसे आप सभी लोग सहमत हैं?